नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयज टेक्निकल में स्वागत है आप सभी का। तो आपको पता होगा कि रेलवे एम्प्लॉयज का रिटायरमेंट एज जो होता है 60 इयर्स में, तो 60 इयर्स में आपका रिटायरमेंट हो जाता है। तो 62 इयर्स जो कर दिया गया था, ये अक्टूबर महीने में आपका मतलब रेलवे का बोर्ड से एक सर्कुलर आया था जो कि 62 कर दिया था। तो अभी जो फिलहाल रेलवे बोर्ड ने जारी किया है कि और भी बढ़ाने के लिए, जो कि हम इसी के बारे में बात करने वाला हूं, चलिए जान लेते हैं। आप जानते होंगे कि 60 इयर्स में हर आदमी रिटायर करता है, तो 62 इयर्स अक्टूबर महीने में एक सर्कुलर रेलवे बोर्ड का तरफ से हुआ था, जो कि आप 62 तक तो आप री एंगेज हो सकते थे, जो कि आपको कुछ पैसा मिलता था। अभी जो फिलहाल रेलवे बोर्ड ने जारी किया है, जो कि 65 इयर्स तक तो आप नौकरी कर सकते हैं, जैसे कि उसको बोला जा रहा है कि री एंगेज, जो कि आपका 60 इयर्स में नौकरी, आपका जैसे कि रिटायरमेंट, रिटायरमेंट होने के बाद आप 5 इयर्स, नेक्स्ट 5 इयर्स आप नौकरी कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कि नौकरी में कितना मिलने वाला है आपका सैलरी। तो सैलरी का बात करते हैं, तो सैलरी आपको मान लीजिए सैलरी आपका होगा 60,000 पर मंथ रिटायरमेंट का टाइम में, जो कि लास्ट मंथ पेमेंट आप उठाए होंगे, मान लीजिए 60,000। तो 60,000 से आपको जितना भी पेंशन मिलता है, मान लीजिए पेंशन एक कैलकुलेट होके जैसे होता है, पेंशन कैलकुलेट होता है, तो पेंशन कैलकुलेट होके मान लीजिए आपको 25,000 का पेंशन मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है ना, सैलरी जो होगा आपका री एंगेज का जो सैलरी होगा 5 साल के लिए, 60,000 से 25,000 माइनस कर दीजिए, तो जितना होगा मतलब कितना हो रहा है 35, तो मतलब 35,000 आपको मिलेगा आपको सैलरी। तो 35,000 सैलरी में आपको काम करना पड़ेगा। तो ये नया जो सर्कुलर है, ये रेलवे बोर्ड का तरफ से, जो कि रेलवे एम्प्लॉयज के लिए बहुत खुशखबर है, जो कि आप रिटायरमेंट के बाद भी आप नौकरी कर सकते हैं और आपको सैलरी मिलेगा और अच्छा खासा आपको काम भी मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट में बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि मैं इसी तरह वीडियो आपके लिए बनाते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।